हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे। लॉजिक गेट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या उनकी ट्रुथ टेबल होती है और कैसे हम उनका लॉजिक डायग्राम बनाएंगे, वो भी हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर, जिसका की नाम है लॉजिक गेट। क्या नाम है? लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होते हैं स्टूडेंट? लॉजिक गेट इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को, लॉजिक गेट क्या होते हैं, इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को किसी लॉजिक की हेल्प से, किसी लॉजिक की हेल्प से डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? इनपुट और आउटपुट की हेल्प से किसी लॉजिक को डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लॉजिक गेट का यूज करते हैं। लॉजिक गेट का सर्किट ट्रांजिस्टर, डायोड, रजिस्टर आदि से बना होता है। लॉजिक गेट किससे बना होता है? सर्किट ट्रांजिस्टर डायोड रजिस्टर से बना होता है। तो इनको ऑपरेट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? इनको ऑपरेट करने के लिए हमें रजिस्टर की आवश्यकता, सॉरी वोल्टेज की आवश्यकता पड़ेगी। इनको ऑपरेट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? वोल्टेज की आवश्यकता पड़ेगी। यह वोल्टेज या तो जीरो हो सकता है या यह प्लस वन वोल्टेज हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो जीरो हो सकता है या प्लस वन हो सकता है। डिजिटल जो लॉजिक डिजाइन में जीरो वोल्ट लॉजिक जीरो को दर्शाता है और वन वोल्ट लॉजिक वन को दर्शाता है। जैसे लॉजिक जीरो लॉजिक वन के अन्य नाम भी है। लॉजिक जीरो को अपन क्या कहते हैं? फॉल्स कहते हैं। नेगेटिव लॉजिक कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉल्स कहते हैं। नेगेटिव लॉजिक कहते हैं, लो कहते हैं, ऑफ कहते हैं। लॉजिक वन को हम क्या कहते हैं? ट्रू कहते हैं। पॉजिटिव लॉजिक कहते हैं, हाई लॉजिक कहते हैं या ऑन लॉजिक के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप आपको लॉजिक गेट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, लॉजिक गेट क्या होते हैं। अब हम इनको कैटेगराइज कर लेते हैं कि लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। तो लॉजिक गेट बेसिकली इनकी तीन कैटेगरी होती है। नंबर वन बेसिक लॉजिक गेट। नंबर वन कौन सा लॉजिक गेट? बेसिक लॉजिक गेट। नंबर वन है अपना बेसिक लॉजिक गेट। नंबर वन निकाल लेता हूं मैं, बेसिक लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट और एक दो, बेसिकली इनकी कैटेगरी होती है तीन। तो सबसे पहले अपन कौन सा देखेंगे? बेसिक लॉजिक गेट। ये इनकी तीन कैटेगरी होगी। सबसे पहला अपना बेसिक लॉजिक गेट। सबसे पहला कौन सा है स्टूडेंट? बेसिक लॉजिक गेट। दूसरा होता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट। और तीसरा होता है अदर, अदर या अरिथमेटिक लॉजिक गेट। ये इनकी तीन कैटेगरी होती है लॉजिक गेट की। बेसिक लॉजिक गेट, नंबर टू यूनिवर्सल लॉजिक गेट, नंबर थ्री अदर लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट तीन टाइप के होते हैं। बेसिक लॉजिक गेट कितने टाइप के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेसिक लॉजिक गेट, वो अपन देख लेते हैं। तीन प्रकार के होते हैं ये। इनमें से पहला होता है एंड। पहला कौन सा होता है? एंड गेट होता है। दूसरा होता है ओर गेट और तीसरा होता है नॉट गेट। बेसिक लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, एंड, ओर और नॉट। दूसरा आता है कौन सा? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल दो प्रकार के होते हैं।
यूनिवर्सल गेट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है नैंड और एक होता है नोर। एक क्या होता है? नैंड गेट। और दूसरा होता है नोर गेट। एक होता है नैंड गेट और एक होता है नोर गेट। तीसरा, ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी अपने दो प्रकार के होते हैं। कौन से? जो अर्थमेटिक होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है एक्स, क्या बोलते हैं इसको? एक्स ओर गेट। पहला कौन सा है? एक्स ओर गेट। फिर है एक्स नोर गेट। ये इनको हमने क्या कर दिया है? कैटेगराइज कर दिया है कि लॉजिक गेट तीन प्रकार की कैटेगरी होती है। नंबर वन, बेसिक लॉजिक गेट होते हैं जो कि फिर तीन प्रकार के होते हैं। एंड गेट होता है, और गेट होता है, नोट गेट होता है। फिर यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं? जिसमें नैंड गेट होता है, नोर गेट होता है। तीसरे, अदर अर्थमेटिक लॉजिक गेट कौन से होते हैं? एक्स ओ आर गेट होता है और एक्स नोर गेट होता है। ये इनकी क्या है? टाइप्स है। अब इनको हम वन बाई वन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कौन सा? बेसिक लॉजिक गेट। ये जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, ये बेसिक लॉजिक गेट से ही डिफाइन किए गए हैं, लेकिन इनसे हम और गेट का निर्माण भी कर सकते हैं और अदर टाइप के गेट का निर्माण भी कर सकते हैं। तो इनको अपन आगे फर्दर पढ़ेंगे। अभी अपन पढ़ते हैं बेसिक लॉजिक गेट। सबसे पहला है अपना बेसिक लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट में सबसे पहला आता है अपना एंड गेट। बेसिक लॉजिक गेट का यूज कहां करते हैं अपन? लॉजिक गेट का यूज करते हैं एडर बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? एडर बनाने के लिए, सबट्रैक्टर बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? एडर बनाने के लिए, सबट्रैक्टर बनाने के लिए, फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए, शिफ्ट रजिस्टर बनाने के लिए और काउंटर में इनका किया जाता है यूज। किन किन में करते हैं? एडर में करते हैं, सबट्रैक्टर में करते हैं, फ्लिप फ्लॉप में करते हैं, शिफ्ट रजिस्टर में करते हैं और किस में यूज करते हैं? काउंटर में यूज करते हैं। किनका? बेसिक लॉजिक गेट का। बेसिक लॉजिक गेट में सबसे पहला अपना जो गेट आता है वो कौन सा आता है? एंड गेट आता है। कौन सा गेट आता है? एंड गेट आता है। यह एक ऐसा गेट होता है जिसका आउटपुट हाई यानी वन तब होता है जब दोनों इनपुट क्या होते हैं? वन होते हैं। यह अपने को ध्यान रखना है कि एंड गेट का आउटपुट हाई यानी वन कब आता है? जब दिए गए दोनों इनपुट क्या होते हैं? वन होते हैं। अगर दिए गए दोनों इनपुट में से अगर एक भी जीरो है तो इसका आउटपुट लो यानी जीरो में प्राप्त होगा। यह बाइनरी मल्टीप्लीकेशन की तरह वर्क करता है। तो इसकी एक ट्रुथ टेबल है, उससे अपन इसको समझने का प्रयास करते हैं। ट्रुथ टेबल से जैसे इसमें मिनिमम इनपुट रिक्वायर्ड है दो। मिनिमम इनपुट कितने रिक्वायर्ड है स्टूडेंट? दो इनपुट इसमें रिक्वायर्ड है, इनपुट वन, इनपुट टू, और यहां इसका क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा। यहां मैं कोई वेरिएबल ले रहा हूं, जैसे मैंने लिया इनपुट ए, एक लिया मैंने इनपुट बी, और यहां क्या आ जाएगा? एंड आ जाएगा। जैसे मैंने लिया वाई इक्वल ए डॉट बी, इसको डॉट से दर्शाते हैं अपन। किससे दर्शाते हैं? ये मल्टीप्लीकेशन को दर्शाता है, तो इसको किससे दर्शाते हैं? डॉट से। अब इनपुट हो सकता है 01, 10, 00 और 1। ये क्या हो सकता है? ये अपना इनपुट हो सकता है। तो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि इसमें दिए गए दो इनपुट में से कोई भी एक इनपुट भी यदि जीरो हो जाएगा तो इसका आउटपुट जीरो आएगा। वन हाई कब आएगा? जब दिए गए दोनों आउटपुट क्या आएंगे? दोनों इनपुट क्या होंगे? वन होंगे। तो 01 एक इनपुट जीरो है तो आउटपुट क्या आएगा? या आप ऐसे करके देख सकते हैं कि जीरो को वन से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। वन को जीरो से करेंगे तो भी क्या आएगा? जीरो। जीरो को जीरो से करेंगे तब भी क्या आएगा?
जीरो वन को वन से करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा। तो ये इसकी क्या है, ट्रुथ टेबल है। क्या है, ट्रुथ टेबल, ये आपको बनानी आनी चाहिए। इसका मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे आपको कहा कि आपको कोई फॉर्म फिलअप करना है, क्या करना है, फॉर्म फिलअप करना है, उसके लिए आपको एक तो टेंथ की मार्कशीट की कॉपी चाहिए, एंड एंड का मतलब और, एक आपकी पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, तब आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो आपके पास में यदि ये दोनों होंगी तो आपका फॉर्म फिलअप होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो जैसे आपने टेंथ की मार्कशीट आप ले आए लेकिन पासपोर्ट साइज फोटो आप नहीं लेकर के आए, तो क्या आपका फॉर्म भरा जाएगा, नहीं भरा जाएगा। यही यहाँ पे कहा गया है कि ये ले आए ये नहीं ले आए तो क्या आएगा, जीरो। अगर आप ये नहीं लाए और ये ले आए, ये नहीं लाए ये ले आए, तो भी आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। आप दोनों ही नहीं लाए, दोनों ही नहीं लाए, तो भी फॉर्म आपका नहीं भरा जाएगा। आप दोनों ले आए तो दोनों इनपुट क्या हो गए, आपके हाई हो गए, और दोनों इनपुट हाई होते ही आपका आउटपुट किस में आ गया, हाई में आ गया, अर्थात वन में आ गया। वन को अपन ट्रू से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, ट्रू से डिनोट करते हैं। आई होप आपको ये ट्रूथ टेबल समझ में आ गई होगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यू कैन डू। अब इसका अपन क्या देख लेते हैं, इसका अपन देख लेते हैं लॉजिक डायग्राम। क्या देख लेते हैं, लॉजिक डायग्राम। आई होप आपको ये नजर आ रहा होगा, एंड का आपको लॉजिक डायग्राम या लॉजिक गेट, क्या है, लॉजिक गेट भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका बनाता हूं मैं लॉजिक गेट। एंड का क्या बनाते हैं, लॉजिक गेट बनाते हैं। तो इसमें मिनिमम इनपुट कितने चाहिए, दो इनपुट की रिक्वायरमेंट अपने को पड़ती है। तो एक इनपुट ले लिया मैंने, एक इनपुट यहां से ले लिया। अब इसका गेट बनेगा ऐसे, इसका गेट बनेगा ऐसे, ये मैंने इनपुट ले लिया ए, ये मैंने इनपुट ले लिया बी, ये एंड गेट का लॉजिक डायग्राम है। तो मैंने कर दिया वाई इक्वल ए डॉट बी, इस प्रकार से इसका क्या बन जाएगा, लॉजिक गेट बन जाएगा। आपको इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से तो हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं और किस प्रकार से इसका लॉजिक डायग्राम बनाते हैं। एंड का आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं अगला गेट, अगला गेट है अपना और गेट। अभी अपन बेसिक लॉजिक गेट पढ़ रहे हैं, उसमें अगला है और गेट। और गेट क्या कहता है, मिनिमम इनपुट रिक्वायर्ड इन और गेट इज टू। मिनिमम इनपुट रिक्वायर्ड कितने हैं, और गेट में भी दो है, लेकिन कोई एक भी इनपुट वन होने पर और गेट का आउटपुट वन में यानी हाई में प्राप्त हो जाता है। इसका पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन नंबर वन है, ये कोई क्वेश्चन है और बीच में लगा हुआ है और, फिर ये दूसरा कोई क्वेश्चन है और बीच में लगा हुआ है और, दोनों ही क्वेश्चन पांच पांच नंबर के हैं। तो आपको अगर आपने पहला क्वेश्चन कर दिया, दूसरा आपने नहीं किया, तो आपको नंबर मिलेंगे पांच। अगर आपने दूसरा क्वेश्चन कर दिया, पहला नहीं किया, तो भी आपको नंबर कितने मिलेंगे, पांच। नंबर आपको कब नहीं मिलेंगे, जब या तो आपने दोनों गलत किए हैं या दोनों किए नहीं है। तो अपन इस कंडीशन में मानते हैं कि आपने दोनों ही नहीं किए, जब दोनों नहीं किए तो आपको नंबर मिलेंगे जीरो, और दोनों ही कर दिए तो भी आपको दस नंबर नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, पांच। यानी कि आउटपुट किस में आ जाएगा, आपका वन में आ जाएगा। कोई एक कंडीशन के ट्रू होने पर भी आपका आउटपुट किस में आ जाता है, वन में आ जाता है। इसकी अपन देख लेते हैं ट्रुथ टेबल, क्या देख लेते हैं, ट्रुथ टेबल देख लेते हैं किस प्रकार से इसकी अपन ट्रुथ टेबल का निर्माण करेंगे। तो इसमें भी इनपुट रिक्वायर्ड कितने हैं, दो हैं, दो इनपुट रिक्वायर्ड हैं, इनपुट ए
इसको बाइनरी एडिशन से अपन डिनोट करते हैं, इनपुट ए इनपुट बी, और मैंने कर दिया वाई इक्वल ए प्लस बी। क्या कर दिया? वाई इक्वल ए प्लस बी। अब इसमें पॉसिबल इनपुट क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल इनपुट भी देख लेते हैं अपन, पॉसिबल इनपुट भी देख लेते हैं। इनपुट हो सकता है 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये पॉसिबल इनपुट हो सकते हैं। इसकी डेफिनेशन आपको मैंने बता दी है कि दिए गए दो इनपुट में से कोई भी एक इनपुट यदि 1 हो जाए तो इसका आउटपुट 1 में आ जाएगा। तो 0 0 का क्या होता है, प्लस करेंगे तो 0 होता है, 0 1 का 1 होता है, 1 0 का 1 होता है, और 1 1 का 1 होता है। तो आप इनको एडिशन करके भी आराम से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा समझने में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। अब हम इसका बनाते हैं क्या, लॉजिक डायग्राम। क्या बनाते हैं? लॉजिक डायग्राम। इसमें भी मिनिमम इनपुट रिक्वायर्ड कितने हैं, 2 है, मैंने ले लिया ए बी। फिर आपको ऐसे एक लाइन लगानी है और इधर लेके जाना है ऐसे। ये किसका है? ये ओर गेट है। ओर गेट का क्या है? लॉजिक डायग्राम। ओर गेट का क्या है? लॉजिक डायग्राम है। और यहां पे आउटपुट आ जाएगा वाई इक्वल ए प्लस बी। तो आपको लॉजिक डायग्राम भी ध्यान रखना है, आपको ट्रुथ टेबल भी ध्यान में रखनी है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। नेक्स्ट अपन लॉजिक गेट देखते हैं। नेक्स्ट अपना लॉजिक गेट है नोट। क्या है? नोट। नोट क्या होता है स्टूडेंट? यह एक इन्वर्टर गेट होता है। क्या होता है, या कह सकते हैं यह एक इन्वर्टिंग गेट होता है। इन्वर्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका यह क्या करता है, 0 को 1 में चेंज कर देता है, और 1 को किस में चेंज कर देता है, 0 में बदल देता है। जैसे x इक्वल नॉट ए, एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल x इक्वल नॉट ए, x बराबर नहीं होता किसके, ए के। इसका सिंपल सी एक टेबल है, एक इनपुट आपको रिक्वायर्ड होगा। मैंने दिया क्या, इनपुट ए। क्या दिया? इनपुट ए, तो आउटपुट आएगा x। आउटपुट आएगा क्या? x। 1 का क्या कर देगा? 0 कर देगा। 0 का क्या कर देगा? 1 कर देगा। इस प्रकार से इसकी ये ट्रुथ टेबल का निर्माण किया जाएगा। क्या है ये? ट्रुथ टेबल। क्या है? ट्रुथ टेबल। और इसका लॉजिक डायग्राम देख लेते हैं। लॉजिक डायग्राम में आपको मैंने कहा कि इसको इनपुट देंगे अपन क्या, ए। फिर यहां पे कैलकुलेशन होगा और आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा एक्स। आउटपुट क्या आएगा? एक्स आउटपुट आएगा। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा कि इसको इन्वर्टर के नाम से जानते हैं। यह 0 को 1 कर देता है और 1 को क्या कर देता है? 0 कर देता है। आई होप आपके बेसिक लॉजिक गेट समझ में आ गए होंगे। हमने बेसिक लॉजिक गेट तीनों पढ़ लिए हैं, एंड गेट पढ़ लिया है, और गेट पढ़ लिया है, और नॉट गेट पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक गेट को मिलाकर के बनाए जाते हैं। 2 या 2 से अधिक गेट को मिलाकर के बनाए जाते हैं यूनिवर्सल गेट। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, नैंड और नोर। सबसे पहले अपन देखते हैं नैंड गेट। कौन सा गेट? नैंड गेट देख लेते हैं। नैंड को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको इसमें 2 गेट नजर आएंगे। पहला ए एंड डी एंड, ए एंड डी एंड। दूसरा एन से नोट, नोट और एंड का कॉम्बिनेशन नोट नैंड गेट कहलाता है। एंड और नोट का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? नैंड गेट कहलाता है।
यह गेट एंड और नॉट गेट से मिलकर के बनता है। नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं, क्योंकि इन दोनों गेट से कोई भी बूलियन फंक्शन बनाया जा सकता है। इन दोनों गेट से कोई भी बूलियन फंक्शन बनाया जा सकता है। नैंड गेट का आउटपुट एंड गेट के आउटपुट के एंड गेट के आउटपुट का इनवर्स होता है। नैंड गेट का आउटपुट एंड गेट का जो आउटपुट आएगा उसका क्या कर देंगे अपन, इनवर्स कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा। अब अपने को एंड गेट अच्छी तरह से मालूम है, जो भी एंड गेट का आउटपुट आएगा उसको अपन इनवर्स कर देंगे तो किसका आउटपुट बन जाएगा, किसका आउटपुट बन जाएगा, नैंड गेट का आउटपुट बन जाएगा। इस गेट का आउटपुट 1 तब होता है जब एक भी इनपुट 0 हो, जब जब कोई भी इनपुट क्या हो, 0 हो। नैंड गेट की इक्वेशन ऐसे बनती है कि ट्रुथ टेबल से इसको अपन देख लेते हैं, एंड गेट का इनवर्स होता है नैंड गेट, तो इसमें भी मिनिमम इनपुट कितने रिक्वायर्ड है, 2 मिनिमम इनपुट इसमें भी रिक्वायर्ड आपको पड़ेंगे। ये मैंने इसके ट्रुथ टेबल बना रहा हूं, 2 इनपुट आपको इसमें भी क्या है, रिक्वायर्ड है। इनपुट ए ले लिया मैंने, इनपुट ए, और पॉसिबल जो रिक्वायरमेंट है वो 4 इनपुट रहेंगे अपने। इस प्रकार से अपन इनपुट ए, इनपुट ए, इनपुट बी, और ये क्या बनेगा, एक्स ले लेता हूं, चलो आउटपुट, आउटपुट कर देता हूं एक्स में, ठीक है। वही होंगे, या तो 0-0 होगा, या 0-1 होगा, या 1-0 होगा, या 1-1 होगा। अब पहले स्टूडेंट आप इसका एंड गेट निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, एंड गेट निकाल लीजिए। 0-0 का एंड में क्या होता है, 0, इसका उसका इनवर्स आपको करना है। इनवर्स करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। 0-1 का एंड में क्या होता है, 0 होता है, तो उसका इनवर्स कर देंगे अपन तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1-0 का एंड में क्या होता है, 0 होता है, तो इसका इनवर्स कर देंगे अपन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर एंड में 1-1 होते हैं तो आउटपुट आता है 1, लेकिन यहां पे उसका अपन क्या कर देंगे, इनवर्स कर देंगे, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस प्रकार से इसकी ट्रुथ टेबल का निर्माण किया जाएगा। आई होप आपको ये ट्रुथ टेबल समझ में आ गई होगी। इसके लिए जरूरी है स्टूडेंट कि आपको एंड गेट अच्छी तरह से आना चाहिए, जो कि अपन पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपके समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को प्रीवियस पीछे करके आप देख सकते हैं। इसका लॉजिक गेट किस प्रकार से बनाएंगे, मिनिमम 2 इनपुट आपको रिक्वायर्ड है, मैंने ले लिया ए और क्या ले लिया, बी ले लिया। अब एंड गेट बनाओ पहले, ये मैंने एंड गेट बना दिया, यहां लगा दो नोट, यहां क्या लगा दो नोट, और आउटपुट क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो ये यहां तक है एंड गेट, फिर उसका इसने क्या कर दिया, इनवर्स कर दिया, क्या कर दिया, इनवर्स कर दिया, तो आउटपुट किसका आ गया, नैंड गेट का आ चुका है। आई होप आपको नैंड गेट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एंड गेट का इनवर्स नैंड हो गया, किससे मिलकर बनता है, एंड और नॉट से मिलकर बनता है। अगला गेट देखते हैं अपन यूनिवर्सल गेट में, नोर। नोर गेट में भी आपको 2 गेट दिखेंगे, नंबर 1 और नॉट, और नॉट का कॉम्बिनेशन क्या होता है, नोर गेट होता है। किस किस का कॉम्बिनेशन है, और नॉट, यह और नॉट गेट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। नोर गेट का आउटपुट और गेट के आउटपुट का इनवर्स होता है। जो भी और गेट का आउटपुट आएगा उसका अपन इनवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, नोर गेट बन जाएगा। नोर गेट का आउटपुट 1 कब होगा, जब दोनों इनपुट 0 होंगे। नोर गेट का आउटपुट 1 कब होता है, जब दिए गए दोनों इनपुट क्या होंगे, 0 होंगे, क्या होंगे,
जीरो होंगे। हम इसके ट्रुथ टेबल का निर्माण कर लेते हैं, ट्रुथ टेबल बनाते हैं इसकी। मिनिमम दो इनपुट इसमें भी रिक्वायर्ड होंगे। ये मैंने ले लिया ए बी और एक्स, जीरो 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 वन वन जीरो और वन वन। अब आपको ध्यान से खुद बनानी है टेबल, क्या बनानी है खुद बनानी है, या वीडियो को एक बार आप पॉज कर सकते हो, पॉज करके अपनी ट्रुथ टेबल खुद बनाओ, उसके बाद में आप चला करके देखना कि आपका सही आता है कि नहीं आता। पहले इसका क्या निकालेंगे अपन, और गेट का आउटपुट निकालेंगे। तो जीरो जीरो का और में क्या होता है, जीरो जीरो का और में जीरो होता है, लेकिन ये उसका इनवर्स कर देगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा। जीरो जीरो का आउटपुट क्या आएगा भाई, वन आएगा। जीरो वन का और में क्या होता है, वन होता है, उसका इन्वर्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। वन जीरो का क्या होता है, और में वन होता है तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। वन वन का भी और में क्या होता है, वन होता है, लेकिन ये इसको इन्वर्स कर देगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि नोर गेट का आउटपुट हाई यानी वन कब होता है, जब दिए गए दोनों इनपुट जीरो होते हैं, जब दिए गए दोनों इनपुट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो इसका भी अपन लॉजिक गेट बना करके मैं आपको दिखा देता हूं। दो इनपुट आपको रिक्वायर्ड है, ये दो इनपुट, फिर ये एंड गेट, फिर यहां पर लगाएंगे नॉट, और ये आ गया ए बी एक्स। इस प्रकार से इसका क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आई होप आपके यूनिवर्सल गेट भी समझ में आ गए होंगे। अगला है एक्स ओ आर, जो अदर गेट है एक्स ओ आर, इसका पूरा नाम होता है एक्सक्लूसिव ओर। क्या नाम होता है, एक्सक्लूसिव ओर। इस गेट को एक्स ओ आर गेट यानी कि एक्सक्लूसिव गेट भी कहते हैं। इस गेट का आउटपुट हाई तब होता है जब दोनों इनपुट अलग अलग होते हैं। इस गेट का आउटपुट हाई यानी वन कब आएगा, जब दिए गए दोनों इनपुट क्या होंगे, डिफर होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, तब इसका आउटपुट वन आएगा। अगर आपने इनपुट सेम दिया है तो आउटपुट इसका लो आएगा, यानी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इस प्रकार से ये गेट की डेफिनेशन बनती है। चलिए इसकी ट्रुथ टेबल का निर्माण करते हैं। किस प्रकार से हम इसकी ट्रुथ टेबल का निर्माण करेंगे, ट्रुथ टेबल बना लेते हैं इसकी। कौन से गेट की है, एक्स ओ आर गेट की है। मिनिमम इनपुट रिक्वायर्ड कितने हैं, दो है, तो मैंने ले लिया ये नंबर ऑफ इनपुट्स है। ये अपन यहां पे क्या देंगे, इनपुट्स देंगे ए बी और एक्स। मैंने दिया जीरो जीरो, मैंने दिया जीरो वन, मैंने दिया वन जीरो और मैंने दिया वन वन। क्या करता है, दो डिफरेंट आउटपुट होंगे तो वन आएगा, सेम आउटपुट होंगे तो जीरो आएगा। तो डिफरेंट आउटपुट सेम है आउटपुट तो जीरो आएगा, डिफरेंट आउटपुट इनपुट है तो वन आएगा, डिफरेंट इनपुट है तो वन आएगा और सेम इनपुट है तो जीरो आएगा। ये एक्स ओ आर बताता है। इसका लॉजिक डायग्राम कैसे बनेगा चलिए देखते हैं। इसमें दो इनपुट चाहिए आपको, बिल्कुल चाहिए, ए और बी। फिर इसका क्या बनाना है, फिर इसका और गेट बनाना है, क्योंकि और गेट है ना, और गेट बनाना है। ये आ गया। अब XOR करने के लिए आपको यहां पे एक लाइन लगानी है। तो ये कौन सा गेट बन गया, XOR लॉजिक गेट। कौन सा गेट बन गया, XOR यानी एक्सक्लूसिव गेट, एक्सक्लूसिव और गेट। X का मतलब यहां पे क्या है, एक्सक्लूसिव और गेट। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, जितने भी मैंने गेट बताए वो आपको समझ में आ गए होंगे। सभी की स्टूडेंट आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है, सभी की आपको ट्रुथ टेबल ध्यान रखनी है और सभी का लॉजिक गेट भी आपको पता होना चाहिए।
चाहिए। हमने सारे ही लॉजिक गेट कवर कर लिए हैं। आई होप आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा, सभी आपको समझ में आ गए होंगे। हमने पढ़ा एंड गेट, हमने पढ़ा और गेट, हमने पढ़ा नॉट गेट, ये बेसिक गेट थे। फिर हमने यूनिवर्सल गेट पढ़े जो दो गेट से मिलकर के बनते हैं और उनसे फर्दर कई प्रकार के गेट बनाए जा सकते हैं। उसमें अपन ने पढ़ा नैंड और नोर। उसके बाद में अपन ने अदर में क्या पढ़ा, अदर में पढ़ा XOR यानी कि एक्सक्लूसिव और। आई होप आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो इसको दो बार तीन बार आप आराम से देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें, शेयर बहुत जरूरी है। और वीडियो को लाइक करके, वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। आगे के टॉपिक हम अगले वाले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।